क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है, जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिनों बाद उससे पौधा निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी में रखा हुआ वो बीज एक्टिवेट हो जाता है, और जब कोई भी बीज एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी के लिए 10 गुना ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि स्प्राउट्स जब आप खाते हैं तो उन्हें भी आप कुछ दिन पहले पानी में भिगोकर फिर गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अब लपेटने से क्या होता है, वो जो बीज है, जो दालें हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो एक्टिवेट होने से आपके लिए 10 गुना ज्यादा फायदा करती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए क्योंकि वो एक्टिवेटेड होते हैं। इसी तरह से दोस्तों जब आप बादाम को पानी में भिगोते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी को फायदा करता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बादाम ही ऐसी चीज नहीं है जिसे पानी में भिगोकर खाना चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसी बढ़िया चीजें बताऊंगा जिनको पानी में रात को भिगोकर रखने से और सुबह उनको खा लेने से आपको ढेरों फायदे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो पहली चीज कौन सी है दोस्तों? पहले नंबर पर है चिया के बीज। चिया के बीज एक ऐसे बीज हैं जिनको पानी में भिगोकर रात को रखकर अगर आप सुबह खाली पेट उनको खाते हैं तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप मोटे हो चुके हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, तो चिया सीड से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। चिया के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, ये बहुत तेजी से हमारे वजन को कम करते हैं। आपको रात को एक चम्मच चिया के बीज एक गिलास पानी में भिगोकर रखने हैं और सुबह खाली पेट उन बीजों का सेवन करना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप चिया के बीजों का सेवन करते हैं तो आप एक महीने के अंदर 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के। आज ही चिया बीज लेकर आए और इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। कई ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रेड के ऊपर आपको चिया के बीज लगाकर देती हैं और वो ये कहती हैं कि ये ब्रेड आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर है अलसी के बीज। अलसी के बीजों का सेवन आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको अलसी के बीजों का पूरा फायदा लेना ही है तो अलसी के बीजों का एक चम्मच रात को पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस अलसी के बीजों को चबा चबा कर खाएं और उस पानी का भी सेवन करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा। आज के समय में दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी को भी दिल से जुड़ी हुई बीमारी ना हो तो आज से ही अलसी के बीजों का सेवन करना शुरू करें। अलसी के बीज ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं और ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और हार्ट ब्लॉकेज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अगर आप हर रोज अलसी के बीजों को पानी में भिगोकर उसका सेवन करते हैं तो आपको कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों मेथी का दाना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। रात को एक चम्मच मेथी का दाना एक गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट मेथी दाने का और उस पानी का सेवन करें। इससे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। जो लोग डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं लगातार 3 महीने मेथी दाने का पानी और मेथी का सेवन इस तरह से करके देखें, आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये फ्रेंड्स बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, प्लीज आप इसे ट्राई करके देखें, आप बहुत जल्दी डायबिटीज से छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेथी दाने का सेवन भिगोकर करते हैं तो इससे आपके झड़ते हुए बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक महीने के अंदर अगर आप झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं तो आप मेथी दाने का सेवन रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों जीरा एक ऐसी चीज है जिसे आपको पानी में भिगोकर खाना चाहिए। रात को एक चम्मच जीरा पानी में भिगोकर रखें, सुबह खाली पेट उस जीरे का और उस पानी का सेवन करें। इससे आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो पित्त को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। गैस बढ़ने से आपकी बॉडी में वात बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ने से आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, और वात और पित्त के इम्बैलेंस हो जाने से आपको ढेरों बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप जीरे का सेवन पानी में भिगोकर करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जननी है। हम आपको हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें, उसके बाद आप किसी और बीमारी का इलाज करें, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों का कारण है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको तकरीबन 100 रोग होंगे। अब मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और आप पिंपल्स की दवाई डॉक्टर से लेकर आते हैं। अब आपके पिंपल्स ठीक भी हो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर से पिंपल्स निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा? शायद आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसे ही हमारी बॉडी में बीमारियां नहीं होती। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो उसके पीछे का कारण आपके पेट के अंदर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने से हमारा पेट खराब हो जाता है, पेट खराब होने से खाना अच्छे से नहीं पचता और यह गंदा खाना हमारे खून में मिलकर खून को गंदा करता है। ये खून की गंदगी चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलती है और हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करती है। अब आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयां क्यों ना खा लें, लेकिन जब आप पेट का इलाज नहीं करेंगे तो पिंपल्स का परमानेंट इलाज नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आपको कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना चाहिए,
ना कि पिंपल्स का। अब कॉन्स्टिपेशन होने से हर्ट में भी ब्लॉकेज हो जाती है। अब हर्ट की ब्लॉकेज का इलाज करवाने के लिए हम लोग अपने दिल में स्टंट डलवा लेते हैं। अब स्टंट डलवाने से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पेट में है। अब पेट का इलाज कीजिए, ना कि अपने दिल की बीमारियों का। इसीलिए दोस्तों हम आपको हमेशा कहते हैं कि पहला इलाज कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज का होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करें। तो दोस्तों आपको इसके लिए जीरे का इस्तेमाल करना है। रात को एक चम्मच जीरा एक गिलास पानी में भिगोकर रखना है। सुबह खाली पेट जीरे का और उस पानी का सेवन करना है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवी चीज है वो है वॉलनट्स यानी कि अखरोट। अगर आप अखरोट का सेवन रात को पानी में भिगोकर और सुबह करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। दरअसल अखरोट के अंदर भरपूर मात्रा में पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वैसे तो फैट हमारी बॉडी के लिए बुरे हैं, लेकिन सब तरह के फैट बॉडी के लिए बुरे नहीं हैं। पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैट बॉडी के लिए बुरा होता है या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप अखरोट का सेवन रात को पानी में भिगोकर और सुबह करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, जिससे आपका दिमाग बहुत तेज होता है। वॉलनट्स देखने में दिमाग जैसे लगते हैं और ये दिमाग को तेज भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने आपको बताया पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग को तेज करते हैं, मेमोरी को शार्प करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इन पांच चीजों को पानी में भिगोकर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक दिन एक चीज का सेवन करें, अगले दिन दूसरी चीज का। यानी कि अगर आप सोमवार को चिया सीड्स का सेवन कर रहे हैं तो मंगलवार को अलसी का, बुधवार को मेथी का, वीरवार अगर आप जीरे का सेवन करते हैं उसके बाद वॉलनट्स का या एलमंड्स का। इस तरह से आप पूरे हफ्ते में इन चीजों को शफल कर सकते हैं और इन चीजों का सेवन कर सकते हैं और आप देखेंगे आप और आपका परिवार बिना बीमारियों के बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान और आजमाया हुआ नुस्खा है। आप ऐसा मत समझे कि ये चीजें महंगी होती हैं। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स महंगे जरूर हैं, लेकिन दवाइयों से महंगे नहीं हैं। दवाइयां बहुत महंगी आती हैं। डॉक्टर की फीस ही 100-200 रुपए होती है और उसके बाद 100-200 की दवाई आती है। इतने में तो आपके आधा किलो बादाम आ जाएंगे जो आपके एक महीना चल सकते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा दिमाग लगाएं, बीमारियां अपनी बॉडी में आने ही ना दें। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी दूसरे के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा हो सकता है, उसकी बीमारियों से उसको राहत मिल सकती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फिर फेसबुक के। आज की वीडियो में हमने जाना कि बादाम के अलावा ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जिनको पानी में भिगोकर खाने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।